उत्तर प्रदेश के ज्ञानवापी मस्जिद के व्यास जी तहखाने में पूजा शुरू होने के बाद मामला गर्मा गया है। कल वाराणसी जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की ओर से दायर अर्जी पर फैसला आया। जिला जज ने अपने हुक्म में ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना शुरू करने का हुक्म दे दिया। हुक्म जारी होने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सतह पर तैयारियां शुरू हो गई। इसको देखते हुए मुस्लिम फरीक ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के जरिए अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में पूजा रोकने की मांग की। मुस्लिम फरीक की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कोई राहत नहीं दी। मुस्लिम फरीक को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने का हुक्म दिया गया। सुप्रीम कोर्ट से झटके के बाद मुस्लिम फरीक इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। मुस्लिम फरीक के साथ हिंदू फरीक ने भी अपनी तैयारी अब शुरू कर दी है। हिंदू फरीक इलाहाबाद हाईकोर्ट में कैविएट अर्जी दायर कर रहा है। वहीं दूसरी जानिब दिल्ली में ज्ञानवापी को लेकर जमीयत उलमा हिंद के दफ्तर में मुस्लिम तंजीमों की एक बड़ी मीटिंग हुई, जिसमें जमीयत उलमा हिंद के मौलाना अरशद मदनी, मौलाना महमूद मदनी, जमात इस्लामी हिंद के सलीम इंजीनियर और मलिक मोहतशिम, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान सैयद कासिम रसूल इलियास और कमाल फारूकी, जमीयत अहले हदीस के मौलाना इमाम असगर अली मेहंदी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के चीफ और लोकसभा एमपी असदुद्दीन ओवैसी भी मौजूद रहे। आज की बड़ी बहस में बात इसी पर करेंगे, क्या होगा ज्ञानवापी का मुस्तकबिल। तो आपको बता दें कि व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना की इजाजत मिली। इंतजामिया की ओर से तमाम इंतजामात मुकम्मल किए गए थे और पूजा की इजाजत मिलते ही वहां पर पूजा जो है वो शुरू कर दी गई। पूजा का अहतमाम यहां पर अब आज भी किया गया और मुसलसल जो प्रोग्राम है वो तय किया जा रहा है, जिस पर मुस्लिम फरीक को एतराज़ है। मुस्लिम फरीक की ओर से अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने की जो हिदायत है वो मुस्लिम फरीक को दी थी और अब मुस्लिम फरीक ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। लेकिन इसी के खिलाफ हिंदू फरीक की ओर से भी अब तैयारी शुरू कर ली गई है, क्योंकि एक कैविएट पेटिशन है जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर की जा रही है। कैविएट पेटिशन के तहत ये मांग की जाती है कि मुस्लिम फरीक की जो दलील है वो सुनने से पहले हिंदू फरीक की दलील सुनी जाए इस मामले में और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाए। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर पहुँच कर क्या दलीलें जो है मुस्लिम फरीक की ओर से पेश की जाएंगी, एक बड़ा सवाल हो जाता है। ज्ञानवापी का मुस्तकबिल क्या होने वाला है, क्योंकि जिस तरह रिपोर्ट सामने आई, सर्वे रिपोर्ट में भी कहा गया कि यहाँ पर कई तरह के जो तर्क थे वो पेश किए गए, जिस पर मुस्लिम फरीक की ओर से एतराज़ जताया गया था और अब जब पूजा की इजाज़त दे दी गई है तो उस पर भी नाराज़गी है। दूसरी जानिब आपको बता दें कि दिल्ली में ज्ञानवापी को लेकर जमीयत उलमा हिंद के दफ्तर में मुस्लिम तंजीमों की मीटिंग हुई। अगर कोई कोर्ट में केस होता है तो उस पर डिस्कस नहीं किया जा सकता, वकीलों से नहीं डिस्कस किया जा सकता, जो वो बात नहीं कर सकते हम लोग आपस में, या इसके ऊपर भी कोई वो है, इसके ऊपर क्या बैन है, ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछते हैं आप? तो लीगली तौर पर कैसे लड़ेंगे, इस पर चर्चा करेंगे कल भी? मतलब हाथापाई तो नहीं करेंगे भाई, लड़ेंगे, लड़ने का नाम क्यों करते हैं? लीगली तौर पर